फोर फेसेस में इलेक्शन होगी। उसमें फर्स्ट फेसेस शुरू होगी आपका सिंघम कोटी लोहरदगा पड़नवा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे छतरा कोडरमा खसारी पार, उसके बाद गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर, उसके बाद राजमहल दुमका गोड्डा, यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी। उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ है। ये इस कंप्लीट डिटेल है आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है, पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है गांडे में। वो असम में बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो फिफ्थ फेज का इलेक्शन कब होगी उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी, वो फिफ्थ इलेक्शन होगी उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में होगी। नेक्स्ट, थैंक यू। इसमें कुछ कुछ डेटा है आप लोग का, वो इम्पोर्टेंस है उसमें। आपका लगभग 31.4 लाख वोटर्स है लास्ट इलेक्शन से ज्यादा वोटर होंगे झारखंड में। नेट वोटर्स का एडिशन है 31.4 है। फिर फीमेल वोटर्स का संख्या इस बार ज्यादा हुई थी, 18-19 के एज ग्रुप का वोटर्स है, वो भी हम लोग का काफी संख्या में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभी सभी डेटा पर नोटिस हुई थी। आपके पास एक प्रेस नोट दिया हुआ है, उसी प्रेस नोट में देखेंगे प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपके पास डेटा है। आपका प्रेस नोट में पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपका वो 2019 में वोटर कितना था, 2024 में आज ऐसा डेट कितना है, वो डिटेल दिया हुआ उसमें। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम वोटर्स का आंकड़ा भी दिया हुआ, कितना पुरुष फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो 10.93 लाख है, उसकी महिला है 11.39 है। महिला वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स में ज्यादा संख्या में है, वो थर्ड जेंडर से 60 है, टोटल 22.33 लाख वोटर्स होंगे वो फर्स्ट टाइम वोटर देंगे। आपका बूथ का रेशनलाइजेशन की गई थी, रेशनलाइजेशन के बाद 57 बूथ पूरा झारखंड में बढ़ी, हम लोग को उसका संख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। इसी बार हम लोग का सभी इलेक्शन में ECL का M3 मशीन होगी, लेटेस्ट मशीन EVM का मशीन इसी बार इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ डाउट होगी मतलब हम लोग टेकअप करें। सभी वो इलेक्शन ईवीएम है वीवीपैट के साथ में रहेगी, सभी ईवीएम है वो वीवीपैट के साथ है। वो संवेदनशील का कैलकुलेशन अभी इस बार कराई नहीं जाती है, केवल क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल कराई जाती है। वो डेटा पब्लिक से शेयर नहीं की जाती है, वो फोर्स डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी रीजंस का हम लोग शेयर नहीं करता है। उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, वॉलंटरी मैपिंग भी कंप्लीट हो गया, क्रिटिकल बूथ का असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी कैंडिडेट वो नहीं दे सकते डेटा, नहीं दे सकते। हर साल भी होता है, हर साल भी नहीं बोला जाता है, इस साल भी नहीं बोला जाता है। हाँ जी, नए वोटर होंगे, उनको बूथ तक लाने के लिए क्या कोई कैंपेन चलाया जाएगा, क्योंकि वोटिंग यदि देखते हैं लोग छुट्टियां बिताने चले जाते हैं, बूथ में नहीं जाकर के छुट्टियां बिताने चले जाते हैं। नहीं, उसी का संबंध में हम लोगों को स्पीड के माध्यम से उनको एजुकेट करवा रहे हैं, उनका अपने बूथ पर आके वोटिंग कर रहे हैं उसमें। उसके साथ में वो गवर्नमेंट अभी एक्ट में भी प्रोविजन है आपका उसी दिन में पेड हॉलीडे देना है किसका वोटर होगी उसी का, उसमें भी हम लोग अभी सभी वोटर अवेयरनेस फॉर्म में उनके माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप तो छुट्टी दे दिया उनको, उसी दिन का सैलरी भी दे दिया, उनका वोटिंग नहीं किया मतलब उसका कारण क्या है, वो भी हम लोग का वोटर अवेयरनेस फॉरम से माध्यम से इसी बार हम लोग उसका एनालिस करेंगे। अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन होंगे वो अपने पेड हॉलीडे पेड लीव दे रहे हैं उनका वोटिंग करने के लिए, उसका वोटिंग अगला हफ्ता में उन लोग एक समीक्षा कर लें किस कारण से अपने एम्प्लॉय वोटिंग दे छुट्टी देने के बाद भी वोट नहीं किया, उसका संबंध में हम लोग इसी बार वो फोकस कर रहे हैं कि क्या कारण हो रही है, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसका एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसी बार उसके माध्यम से हम लोग मोबिलाइज करेंगे, स्विच के माध्यम से भी मोबिलाइज करवा रहे हैं। इसमें सभी ELC का एक्टिवेट की गई थी, उसमें हम लोग का वो ELC पर फ्यूचर वोटर्स है प्रत्येक घर पर हम लोगों का कितना यूथ है उसके तक पहुँचा उसमें, उनका माध्यम से भी हम लोग मोटिवेट करेंगे एल्डर्स का उनका बूथ तक लेके आने के, इससे हम लोग उम्मीद है इसी बार टर्नआउट अच्छा। फर्स्ट टाइम आपने बताया कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो
देखिए केवल एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांडे में है, उसका गांडे का ऑलरेडी वो साइमल्टेनियस पोल का डिटेल एक प्रोटोकॉल है उसमें,